और रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। SSP मंजुनाथ TC ने बताया कि 3 अगस्त की देर रात सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के आजाद नगर में घर में सोते वक्त दंपत्ति सोनाली और संजय यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। साथ ही एक बुजुर्ग महिला गौरी मंडल को भी घायल किया था। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जबकि घायल युवक को रुद्रपुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। ट्रांजिट कैंप में जगन्य हत्या हुआ था, जिसमें पति पत्नी दोनों को गले पर और मुख्य रूप से फेस पर हेड पर भारी हमला करके जगन्य रूप से हत्या कर दिया गया था। सभी को पता था हमको कि जो कौन थे उसका नाम था राजकमल उर्फ जगदीश। राजकमल उर्फ जगदीश तो बनाया था, 25,000 का इनामी बनाया पहले, बाद में 50,000 का इनामी बनाया। आज फाइनली कल शाम को वो जो जगन्य अपराध में कारित करने वाला अपराधी है उसको हमारे पुलिस टीम ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार हो गया है। पूछताछ में उसने ये बताया कि वो वन साइडेड लव अफेयर था एक तरीके से। पहले भी वो उनके घर के सामने किराया लेके रहता था, उस समय से एक तरफा प्यार टाइप हो गया था। कभी भी लड़की ने, जो हमारा मर्तिका ने, किसी प्रकार की उसको तवज्जो नहीं दिया।